बोला चतुर वीर का मर्द ने खट्टू, वीर मर्द का ना मिलता जोड़ा, जोड़ा मिल जाता पुत्र नहीं मिलता, पुत्र मिल जाता रे धन का तोड़ा, धन मिल जाता यश नहीं मिलता, यश मिल जाता रे जीवन थोड़ा, और कह लक्ष्मी चंद कर्महीन बंदा, न्यूआंडे जैसा दौड़ा दौड़ा। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय भंदरौली की तरफ से सारे भाई ना राम राम भाई, और लगातार कोशिश करते हैं अच्छा पशु दिखाने की, वीडियो में ही रेट मांगने की। आज पहुंचे हैं गांव सिंहपुरा खुर्दे जला रोहतक में दीपक भाई के पास में। भाई छोटा बड्डा सिंहपुरा है, छोटे सिंहपुरे में पहुंचे हैं, तो आज सेल के लिए बहुत ही शानदार पशु उपलब्ध है दीपक भाई के पास। दीपक भाई राम राम। राम राम भाई, एक बार दर्शकाना और कर दे राम सारे भाई। राम राम भाई, अच्छा रोहतक का 3 किलोमीटर दूर है भाई। 3 किलोमीटर दूरी पर है रोहतक भाई गांव से। कितने पशु हैं दीपक भाई अपने घर पे? टोटल तो भाई 5-6 पशु हैं ये। अच्छा जी, पर सेल के लिए या एक है, सेल के लिए एक जोटी है अपने पास में। भाई सेल परचेज का काम है अपना? ना भाई, कोई सेल परचेज का नहीं, पर इवनू है दूध के भी हैं और थोड़े ज्यादा और इनू करके इसने सेल करा है। तो भाई लाइफ के बारे में बातचीत कर ले हैं एक बार, इसकी डिटेल बताओ पूरी। भैया दाता मत पूरी होली, अच्छा दूसरी बार ब्याह होगी और इसके 5-7 दिन ब्याह के भी रह रहे हैं। दूसरी बार बच्चा देगी, यानी कि इसके 5-6 दिन ब्याह के हैं। आज आप 2 जून को हम वीडियो कवर कर रहे हैं भाई की, और भाई लगभग दोपहर का टाइम है, 4-5 दिन बाकी हैं इसके ब्याह के। हाँ, इसका 8-9 तारीख का ब्याह था भाई। जिस दिन वीडियो अपलोड होगी यानी कि कल सुबह वीडियो भाई की अपलोड कर देंगे, तो उससे 6 दिन बाद इसके दिन पूरे हो जाएंगे। बच्चा कभी भी दे सके भाई, बच्चा था ये भी तैयारी में भाई, और भी बतले होगी 3-4 दिन। ये अपने घर की पाली है या खरीद के लेके आए हो भाई? फर्स्ट टाइमर ने बाखड़ी ना खरीद के ले आई थी। फर्स्ट टाइमर ने जी। कितना दूध था जब मैं लाया? या 4 महीने की ब्याई थी, 9 किलो दूध था। 4 महीने की ब्याई 9 किलो दूध। हाँ। गबन भी हो रही थी भाई? बिनने की गबन थी। तो कौन से बुल से फिलहाल प्रेग्नेंट? आगे ले गया 85 बुल था भाई। भाई जहाँ से भाई लेके आया उनने जानकारी दी थी कि 85 बुल से डायरेक्ट क्रॉसिंग है, 85 बुल से गबन है। फर्स्ट टाइमर ने भाई दूध कितना दिया इसने पहले बात? भाई 14 किलो की रिपोर्ट बताऊं दे। 14 किलो निकाल लिया। देखिए भाई ने यह भी एक सच्चाई है बताई है ना, तकरीबन भाई कुछ ये भाई कहते हैं, पहली ब्याह तो मैं बूझ लो 17, दूसरे के में भाई सबकी 22। किसान वीरो अपने पशुओं न्यूट्री डाइट खवाओ, SNF फैट बधाओ, दुध बधाओ, हर एक साल एक बच्चा पियो। न्यूट्री डाइट जो तुम पशु खवाओगे टाइम पर गर्भ धारण करेगा, पूरा दुध देगा, हर एक साल आपको एक बच्चा मिलेगा। न्यूट्री डाइट जिहड़ा 5 किलो 25 किलो की पैकिंग मार्केट च अवेलेबल है, 50 ग्राम तुसी हर एक पशु नूं डेली सारा साल देना है। एक जेनुइन जो जानकारी दोगे, इवन हमने कल परसों वीडियो बनाई थी भाई एक पशु के हिसाब से भाई ने जायज रेट मांगा था। उसके घर पे 3-3, 4-4 भाई पहुंच गए थे कि भाई हमने दे दे नगद पैसा में, नगद में जितने उसने मांगे उससे भी 5-4 हजार ज्यादा में सेल होया वो। उसकी बोली लगी क्योंकि बढ़िया पशु के सब गाको हैं भाई। सही बात है भाई, जायज अगर आप मांगे हैं, कोई भी भाई है किसी की वीडियो बनाओ है, अगर जायज मांगे हैं तो आपका पशु जरूर सेल होगा। और भाई चाहे कोई भी खरीद कर ले जाओ, हरियाणा में जाओ, हरियाणा से बाहर जाओ, तो कीमत वही मांगनी चाहिए जिसमें जायज मुनाफा हो भाई, अट्टे में नमक गलत तो नहीं दीपक। तो छोटे भाई इसके 4-5 दिन बाकी हैं बहने के, और फर्स्ट टाइमर ने इसने 14 लीटर दूध निकाल लिया। अब सेकंड में भाई ज्यादा से ज्यादा 16 की उम्मीद लगा सके, 2-3 किलो तो ले बताएगी, 16 मान लो 17 के आसपास दे देगी। देखिए भाई सेहत बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया बॉडी की है, अच्छी सेहत में इसकी कहना चाहूंगा भाई। थना का गैप भी बहुत बढ़िया है, अरे 5-6 दिन लेगी थोड़ी बहुत और खुलेगी बॉडी पे, और रिंग शिंग है बिल्कुल, अच्छी हाइट है भाई, मध्यम हाइट है और शांत स्वभाव है बिल्कुल जोटी का। दीपक भाई आप जो पशुपालन का काम करें भाई, अपने घर पर भी 4-5 पशु हैं भाई, तो इसमें के कुछ बचत आ जा है भाई? वो है बस घर का घी दूध रहा रहा है, एक आधा काटड़ू पाल लिया है, यह बचत है भाई। और ये सब का महंगा हो गया, तूड़ा भी बखर भी, ये बचत आला काम रहा कोनी। एक यो कह ले भाई अपना आगड़ंगा खाने का बच जाए घर का, बस अपना प्योर चीज खा लिया है, यह बचत से। और भाई जिसके पास में आज के टाइम में सेहत है ये मान लो वो धनी है। हाँ बस पहला सुख निरोगी का हो भाई, अगर आप जेन्युइन चीज खा रहे हो भाई, जेन्युइन दूध ये पैकेटा में लस्सी भी आने लग गई है, तो भाई उस चीज तो भाई यह अपना इसने सेल करने का विचार है। हाँ भाई और पशु दूध दे रहे हैं भाई अपना? हाँ दो दे हैं भाई।
दो दूध देवे हैं तो भाई अपना तकरीबन ना कोई सेल परचेज का काम है ना दूध का काम है, एक आधा अच्छा पशु तैयार करने की सोच रहे अपनी, तो भाई इसने भाई का है अपना सेल करेंगे, इसने अम्बा खड़ी लेकर आए थे, अब यह पूरी तरह से तैयार है, कभी भी बच्चा दे सके है, दो चार पाँच दिन के बाद इसके दिन पूरे हो जाएंगे। और भाई थनों का जो गैप है वो भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जसबीर भाई थोड़ा नज़दीक से दिखाइए भाई, धार दूर की सिख से इसकी गराटे की मोटी धार है भाई, अच्छा एक नंबर का पसा है, बहुत बढ़िया एक नंबर पसा। हाँ और भाई पीठ पुट्ठा भी बढ़िया है, बहुत ही शानदार भाई, नरम चमड़ी के वो कई बार कह दें भाई देख ले पीठ पुट्ठा ऐसा चौड़ा है, इस पर चाहे बोला खाट गाल लो, बहुत बढ़िया पीठ अच्छे पीठ पुट्ठे की है। तो सेल का विचार है भाई का, कीमत पूछ लेते हैं भाई जो कि हर एक वीडियो में पूछने की कोशिश करते हैं दीपक भाई। हाँ भाई देखो सेल करनी है तो कीमत वही मांगिए जितने में सेल करनी है, ऊपर नहीं मांगने आपने 500 रुपये भी, 1000 रुपये भी ज़्यादा नहीं मांगने, सही बात ठीक है, जितने की हमने बेचनी है सिर्फ उतने मांगने हैं। देखिए मेरी सोच यह, अगर YouTube पर कोई भी भाई वीडियो बनावा है या बनवावा है तो इस तरह का काम करो भाई, कई बार हम भी बनावा है वीडियो, कोई भाई नाजायज मांग ले गलत मांग ले है, एक बार हमारा काम बना है उससे कहनेगा भाई के थोड़ा जायज मांगो आप, अगर फिर भी नहीं मांगता तुम्हारे लिखे भाई 2-3 लाख ज़्यादा मांग लो, सही बात, क्योंकि आप पशु खरीदोगे आप नहीं पता है भाई ये पशु कितने का है और आपकी पहचान उसी प्रकार की YouTube पे बन जाती है, तो भाई जायज पैसे मांगो। तो भाई इसकी कीमत बताओ भाई कितने में सेल करोगे भाई, इसकी कति जायज कीमत 1,60,000 रुपये है, 1,60,000 फिक्स प्राइस है भाई, फिक्स प्राइस है भाई, भाई इसमें कोई गुंजाइश बस को आओगा मान सम्मान उसका कर देंगे और कोई गुंजाइश नहीं, मान सम्मान भाई कोई 5,000 तड़वान लाग जाए ना, 5 का कोने भाई 1,500 का हो जाए, 1,500 बस उसमें कम हो सके, कम हो सके, 1,60,000 रुपये कीमत बताई है भाई ने, सेकंड टाइमर है दूसरी बार में बच्चा देगी, और भाई बाखड़ी लेकर आया था पहले ब्यात में खारकी ने, इसने दिया है 14 लीटर दूध, 14 लीटर निकाल है ना भाई, 14 लीटर नीचे के था भाई काफ, क्या थे इसके नीचे भाई, कुछ नहीं था, अच्छा जी आगे लगेगा अपना रख ली, कोई दिक्कत, मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइमर ने के दिया था इन्हें कटड़ा कटड़ी बस इतनी तो बताओ आप भाई, कटड़ी थी शायद, कटड़ी बताई धारणवास वाले जोटे की तेरी भी उत्सत है जो शहर में धारणवास का पंचायती बोल उसका ही प्रेगनेंट है, अच्छा धारणवास वाले पंचायती बोल से फिलहाल प्रेगनेंट है और वह कटड़ी भी उससे दिन होकर कम नाराज ली, अच्छा जी एक बार भी अच्छी नस्ल तैयार होगी, अब की बार देखो भाई या दूसरी बार फिर उससे जोटे थे प्रेगनेंट है, या कटड़ी देगी या कटड़ा देगी जो भी वो, तो भाई आने वाला टाइम बताओगा इसका जब भी ब्यांत होगा। दीपक भाई के पास में एक और जोटी है भाई, तो भाई ये देखिए ये भी जोटी भाई या दूसरी बार बच्चा देगी भाई, दूसरी बार देगी, या भी खरीद के लाए थे घर की है, या भी खरीद के ले रहे हैं भाई, तो इसने किस कंडीशन में लाए थे आप, या जब देव थी भाई 7-7.5 किलो दूध, अच्छा अच्छा 3.5 महीने आएगी अब बनी थी और ब्याई अब 6-7 महीने आएगी, दूसरी बार में ब्याह हो गया, दूसरी बार में ब्याह हो गया, तो भाई देखिए अभी तो इसका मेरे ख्याल टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है भाई इसके, भाई 22 तारीख है वैसे तो, अच्छा 22 तारीख ने दिन पूरे हो जाएंगे इसके, उसके बाद कदे भी बच्चा दे सकते हैं, बताओ और बढ़िया तैयारी दिखाओगी यार, इसका जो अंडर क्वालिटी है भाई वह है बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया का दिखा, बिल्कुल पीछे की साइड में इसका जो ऑर्डर निकलेगा और भाई थनों का गैप इसका भी अच्छा है, तो भाई इसका क्या विचार है भाई सेल करने का, भाई इन्हें सेल कराएंगे जरूर पर मौके पे देखेंगे, अच्छा इसने भाई उस मौके पे फिर कितना मान लिया 17 हुक्म है कितना हुक्म है उस हिसाब से देखेंगे इसने, तो इसका बाद में बताऊंगा भाई, हाँ ले को भाई आओगा तो मौका भी देख लेगा, चलो भाई वो तो आपका हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वीडियो को लिंक में देख लियो कोई भी भाई, इसकी एक की हमने कीमत बता दी है या अभी दूसरी बार बच्चा देगी, इसकी 1,60,000 है, और भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दिया करो, और भाई वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, जय हिंद जय जवान जय किसान, राम राम सभी भाइयों को।